तो आज इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं आईपीएल के दो हुनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भैरल से बात कर लेते हैं थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बारे में। तो बात करते हैं दोनों खिलाड़ियों की एज के बारे में। तो ऋतुराज गायकवाड़ 26 साल के हैं, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल 19 साल के हैं। बात करें अगर दोनों खिलाड़ियों की हाइट की, तो ऋतुराज गायकवाड़ की हाइट है 5 फिट 9 इंच, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल की हाइट है 5 फिट 6 इंच। बात करें अगर आईपीएल टीम की, तो ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके टीम के लिए खेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स के टीम के लिए खेलते हैं। बात करें अगर आईपीएल डेब्यू की, तो दोनों ही खिलाड़ियों ने 2020 में लिए अपने टीम के लिए डेब्यू किया था। तो बात करते हैं दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग स्टाइल की, तो ऋतुराज गायकवाड़ राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। दोनों खिलाड़ियों की आईपीएल बैटिंग कंपेरिजन की, तो बात करते हैं यहाँ पर मैचेस की। तो आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 मैचेस खेले हैं, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने 11 मैचेस खेले हैं। बात करें अगर इनिंग्स और रन्स की आईपीएल में, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 मैचेस में 712 रन बनाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में 11 इनिंग्स में 277 रन बनाए हैं। बात करें अगर एवरेज की, तो ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज है 50.89 की और यशस्वी जायसवाल का 25.18 की। बात करें अगर स्ट्राइक रेट की, तो ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट है 134.09 की और यशस्वी जायसवाल का 138.50 की। अगर हाईएस्ट की बात करें, तो ऋतुराज गायकवाड़ का हाईएस्ट है 101, जिन्होंने आरआर के खिलाफ जायसवाल का हाईएस्ट स्कोर है 50 रन। अगर दोनों खिलाड़ी के शतक और अर्धशतक की, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 शतक और 6 अर्धशतक जड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी जड़े हैं। बात करें चौके और छक्के की, तो 69 चौके जड़े हैं और 27 छक्के जड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने 31 चौके और 12 छक्के जड़े हैं। बात करें अगर कैचेस की आईपीएल में, तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 8 कैच पकड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 2 ही कैच पकड़े हैं। अब बात करते हैं दोनों खिलाड़ियों की आईपीएल प्राइस यानी कितने में खरीदे गए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 20 लाख में खरीदे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल 2 करोड़ 40 लाख में खरीदे गए थे। बात करें अगर दोनों खिलाड़ियों की नेटवर्थ की, तो ऋतुराज गायकवाड़ का नेटवर्थ है 7 करोड़, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल थे सिर्फ 3 करोड़। तो कैसे लगा मेरा कंपैरिजन? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बस यशस्वी जायसवाल को सिर्फ काम मैचेस मिलने के हैं खेलने के लिए, वरना वो भी बहुत अच्छे खेलते हैं। वैसे दोनों खिलाड़ियों में से आपको कौन से खिलाड़ी बहुत अच्छे लगे थे ये जरूर कमेंट करके बताना, और दूसरी कंपैरिजन वीडियो में आप किसको देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करना। सो मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।